गुड मॉर्निंग, बंसल डिजिटल पर आप सुन रहे हैं सुबह 9 बजे का न्यूज बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ गौरव शर्मा। कर्नाटक सरकार ने शुक्रवार को वीकेंड कर्फ्यू हटाने का फैसला किया, जिसे कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को नियंत्रित करने के मकसद से लगाया गया था। हालांकि रोजाना रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू रहेगा। प्रदेश के राजस्व मंत्री आर अशोक ने कहा, शनिवार और रविवार के साप्ताहिक कर्फ्यू को हटाया जा रहा है। एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट के आधार पर और हालात को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। बीजेपी ने पंजाब चुनाव में उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें जाति समीकरणों का पूरा ख्याल रखा गया। पंजाब में 117 सीटों वाली विधानसभा में 20 फरवरी को चुनाव होने हैं, जिसके नतीजे 10 मार्च को आएंगे। राज्य में इस बार भाजपा का कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी, लोक कांग्रेस पार्टी और शिरोमणि अकाली दल से गठबंधन है। उत्तराखंड के बड़े नेता हरक सिंह रावत ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है। उन्होंने हरीश रावत की मौजूदगी में सदस्यता ली। दरअसल बीजेपी ने हरक सिंह को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया था, जिसके बाद हरक सिंह ने कांग्रेस ज्वाइन करने की इच्छा जताई थी। इस दौरान वो रोते हुए दिखे थे। वरिष्ठ पत्रकार और लोकमत मीडिया के पूर्व समूह संपादक दिनकर रायकर का लंबी बीमारी के बाद शुक्रवार तड़के निधन हो गया है। परिवार के सदस्य ने बताया, रायकर के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई थी। उनके फेफड़ों में संक्रमण 80% तक पहुंच गया था और उसमें फिर सुधार नहीं हुआ। मध्य प्रदेश में अगले 24 घंटे में फिर एक बार मौसम का मिजाज बदलेगा। मौसम विभाग ने 19 जिलों में ऑरेंज अलर्ट और 7 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की माने तो अगले 24 घंटे में ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, छतरपुर में घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मिजोरम में शुक्रवार को 5.6 तीव्रता का भूकंप आया। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने जानकारी दी कि राजधानी आइजोल समेत राज्य भर में झटके महसूस किए गए, लेकिन अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। भूकंप का केंद्र म्यांमार की सीमा के पास जमीन से 60 किलोमीटर नीचे स्थित था। ये खबर बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहकों के लिए अहम है। बैंक की कुछ सेवाएं 21 जनवरी की रात से लेकर 24 जनवरी तक बंद रहने वाली हैं। बैंक ने ट्वीट करते हुए जानकारी दी है कि 21 जनवरी की रात से 24 जनवरी की सुबह तक ग्राहक फंड ट्रांसफर करने के लिए प्लेटफॉर्म NEFT और RTGS का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। हालांकि कुछ सेवाएं चालू रहेंगी। भारतीय क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया में T20 विश्व कप में अपना पहला मैच 23 अक्टूबर को पाकिस्तान के खिलाफ मेलबर्न में खेलेगी। ICC ने शुक्रवार को इस टूर्नामेंट का कार्यक्रम जारी किया, जिसका फाइनल 13 नवंबर को खेला जाएगा। भारत सुपर 12 के ग्रुप 2 का अपना दूसरा मैच 27 अक्टूबर को सिडनी में क्वालिफायर से खेलेगा। मॉर्निंग बुलेटिन में ये थी तमाम बड़ी खबरें। लेटेस्ट अपडेट के लिए विजिट करें bansalnews.com। नमस्कार।